देखिए भाई, राम चरण की दोनों फिल्में आरसी 16 और गेम चेंजर से काफी सारी अपडेट आ गई है, वो भी उसके कलेक्शन से और न्यू कास्टिंग से भी, जो सुन के आपको भी मजा आ जाएगा। सो इसलिए जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। तो जैसे कि आप जानते होंगे, राम चरण की बूची बहू सेना वाली फिल्म में कास्टिंग चालू हो गई है। विलेन के लिए विजय सेतुपति से मीटिंग किया जा रहा है, फिर म्यूजिक डायरेक्टर ER रहमान सर बन गए हैं। लेकिन भाई, जो पहले बोला जा रहा था जाह्नवी कपूर राम चरण की इस फिल्म में लीड हीरोइन हो सकती हैं, अब ये शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरसी 16 वाले मैत्री मूवी प्रोडक्शन कंपनी लीड हीरोइन के लिए जाह्नवी कपूर के बदले मुन्ना ठाकुर से बात करना चालू कर दिए हैं। तो देखते हैं ये फाइनल होती है या नहीं राम चरण के अपोजिट में इस फिल्म के लिए। और भाई, इसके बाद एक और अच्छी अपडेट आ गई है इसी फिल्म से। देखिए, अब आरसी 16 का टाइमलाइन रिवील हो चुका है। इस फिल्म की स्टोरी में हमें 1990 का इरा दिखाया जाएगा। उसी जमाने में राम चरण एक पहलवान का कैरेक्टर प्ले किए हैं और साथ में कबड्डी गेम का भी काफी बड़ा प्लॉट होगा इस फिल्म की स्टोरी में। और अब तक फिल्म का स्क्रिप्ट भी कंप्लीट कर लिए होंगे डायरेक्टर बुच्ची बाबू सेना। सो इसलिए सितंबर महीने में राम चरण चालू भी कर देंगे शूटिंग अपने इस स्पोर्ट ड्रामा फिल्म की। शायद अगले महीने पूजा सेरेमनी भी करे सुकुमार सर राम चरण के साथ आरसी 16 के लिए। अब चलिए बुच्ची बाबू सेना के बाद इस शंकर की गेम चेंजर फिल्म पर भी आ जाते हैं। असल में भाई, मीडिया में बोला जा रहा है गेम चेंजर को जी स्टूडियो कंपनी ने पूरे 350 करोड़ में खरीद लिया है। आपको बता दो, ये 350 करोड़ में फिल्म का OTT राइट ही नहीं, और भी सारे राइट को खरीदा है जी कंपनी ने, जैसे म्यूजिक वाला, फिर ओवरसीज राइट, फिर शायद नॉर्थ इंडिया में रिलीज करने के लिए थिएटर राइट। अब सब कुछ जी कंपनी को बेच दिए हैं प्रोड्यूसर दिलराजू ने गेम चेंजर का। और इसी के साथ ये एक बड़ा रिकॉर्ड भी बन चुका है इंडियन सिनेमा में। राम चरण की फिल्म में रिलीज से पहले ही 350 करोड़ प्री बिजनेस कर लिया है, जबकि शाहरुख खान की दोनों फिल्म मिलाकर डंकी जवान का टोटल प्री बिजनेस केवल 450 करोड़ हुआ है। बट राम चरण की अकेला फिल्म ने 350 करोड़ कमा लिया है रिलीज से पहले ही, जो सच में कमाल की बात है। बस दिक्कत ये है भाई, ये फिल्म जल्दी नहीं बन रही है। उधर शंकर इंडियन 2 में न जाने क्या क्या एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं लोला VFX, और राम चरण भैया की गेम चेंजर को ऐसे ही छोड़ दिए हैं। खैर, अब ये फिल्म कब रिलीज होती है उसी का इंतजार किया जाए। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।